दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो स्मार्ट दिखे या फिर वो स्मार्ट हमेशा रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो शरीर है हमेशा अच्छी एक प्रॉपर कंडीशन में रहना चाहिए। और आपकी जो वेस्ट लाइन है और आपका जो पेट है, अगर उसके अंदर ज़्यादा चर्बी होगी तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आज हम जानेंगे कि आपकी जो वेस्ट लाइन है उसके अंदर कैसे फैट लॉस किया जाए, या फिर आपकी जो पेट है उसके अंदर की जो चर्बी है या फिर पेट के अंदर जो इंच लॉस है वो कैसे होता है। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो हमेशा स्मार्ट दिखे, हमेशा हेल्दी और अपनी बॉडी से एक तंदुरुस्त दिखे, और उनकी जो वेस्ट लाइन है हमेशा पतली रहे, हमारा जो पेट है उसके अंदर कभी भी फैट जमा ना हो। ये हमेशा हर एक आदमी की एक ख्वाहिश रहती है, लेकिन वो पॉसिबल कैसे होगा, वो मुमकिन कैसे होगा। तो आइए जानते हैं कि अगर पतली कमर करनी है या फिर पेट के अंदर आपको चर्बी को बढ़ाना नहीं है तो क्या कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम आएगी। तो दोस्तों, पतली कमर को हासिल करना या फिर उसको मेंटेन करना ये थोड़ा सा हार्ड वर्क है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है या फिर ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ये कभी भी आप अचीव नहीं कर सकते। जो आज का आसन है वो आपको हमेशा के लिए आपकी जो वेस्ट लाइन है या फिर आपकी जो एब्डोमेन फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़िंदगी भर के लिए काम आएगा। और ये आसन का नाम है पादहस्तासन या फिर हस्तपादासन। तो इसमें क्या करना है कि आपके दोनों हाथों से पैर को टच करना है या फिर फ्लोर के पास अपने हाथों को टच करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया आसन है, फॉरवर्ड बेंडिंग है आपकी कमर के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपके काप मसल्स के लिए। तो बहुत ही अच्छा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो हस्तपादासन आपके एब्डोमेन फैट और कमर की जो एक्स्ट्रा फैट्स है उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको जो जमा है उसको कम करने के लिए ये बहुत ही अच्छा आपको लाभदायी है। अगर आप फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते या फिर अपनी कमर से आप आगे झुक नहीं सकते तो ये पादहस्तासन बहुत ही अच्छा काम आएगा आपकी बैक को और फ्लेक्सिबल करने के लिए, और आपकी जो एब्डोमेन में जो एक्स्ट्रा चर्बी है या जमा फैट है उसको घटाने के लिए। तो आइए जानते हैं हस्तपादासन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, करने के बाद उनके क्या आपको शरीर में लाभ मिलेंगे, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, ये करने से आपके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आएंगे, वो सारी चीज़ें हम आज हम ये आसन में डिटेल में जानेंगे। पादहस्तासन। संस्कृत में पाद का अर्थ होता है पैर और हस्त का अर्थ होता है हाथ, इसीलिए पादहस्तासन का मतलब वो योग आसन जिसमें आप अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जाते हैं। इस आसन को उत्तना आसन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन के लिए सबसे पहले अपने पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अपने शरीर को जितना हो सके अपनी कमर से ऊपर की ओर खींचे। इस अवस्था में धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने शरीर को आगे की ओर तब तक झुकाएं जब तक कि आपकी दोनों हथेलियां जमीन को छू सके। ध्यान रहे कि नीचे झुकते समय आपकी भुजाएं और सर एक ही साथ नीचे झुके। ध्यान रखें, यदि आपको कमर में अकड़न की समस्या हो तो कमर को उतना ही झुकाएं जितना आप बिना किसी तनाव या तकलीफ के झुका सकते हो। अब इस स्थिति में सामान्य रूप से सांस लेते और छोड़ते हुए 10 से 30 सेकंड तक रहें। पादहस्तासन से आपकी रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये आसन महिलाओं के मासिक धर्म के समय होने वाली तकलीफों से राहत दिलाता है, किंतु यदि आपको हृदय रोग, पीठ और रीढ़ संबंधी समस्या, चक्कर या पेट की सूजन की तकलीफ हो तो ये आसन न करें। हर्निया, अदूरदर्शिता यानी हाई मायोपिया और अल्सर के रोगी और गर्भवती महिलाओं को भी ये आसन नहीं करना चाहिए। 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में झुके रहने के बाद अब एक गहरी सांस अंदर लेते हुए धीरे से ऊपर आकर सीधे खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें कि ऊपर आते समय आपकी भुजाएं और सर साथ में ऊपर आए। ऐसा करते समय आपके दोनों हाथ सर के ऊपर तने हुए होने चाहिए। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ नीचे लाएं और विश्राम करें। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके पाचन क्रिया में भी सुधार होता है और कब्ज का निवारण होता है।
तो देखा दोस्तों कि हस्तपादासन कैसे किया जा सकता है, और ये हस्तपादासन हमारी योग श्रेणी के अंदर 11वां आसन है। और अगर आगे के आसन आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये सारे आसन आपको सीक्वेंस में अलग अलग तरीके से आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ये स्पेशली आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा काम आएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो ये आसन रेगुलर बेस के ऊपर आप कीजिएगा। मैं भी ये आसन एवरीडे करता हूँ, और मेरी यही ख्वाहिश है कि ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रैक्टिस कीजिए ये आसन को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाले मेरे फ्यूचर के जो वीडियोस है वो आप अच्छी तरह से देख पाएँ। थैंक यू।